इमरान खान के लिए आए हैं, कोई मुश्किल नहीं है। ये बुजदिल लोग हैं, ये समझते हैं कि हमें डराएंगे, हमें धमकाएंगे, हमें पानी में भी करना पड़े जलसा, समंदर में भी करना पड़े, पहाड़ पे करना पड़े, हम आएंगे। कोई शर्म होती है, हया होती है, ये इनको तो है ही नहीं। बेशर्म लोग हैं ये। मीनारे पाकिस्तान हमें देना था, वो नहीं दिया, फिर रात 10 बजे हमें ये वाली जगह दी है। पूरी पंजाब की हुकूमत को हम एक वार्निंग दे देते हैं, हम शरीफ लोग हैं, अमन से आए हैं, शराफत से रहें, इज्जत से रहें, हम इज्जत से चले जाएंगे। जब तक हमारे बाहर से आने वाले सारे वर्कर जलसा गार नहीं पहुंचेंगे, उस वक्त तक हम जलसा जारी रखेंगे। हम लोग ना बताइएगा कितनी मुश्किलात सामना करना पड़ा जलसागाह में पहुंचने के लिए। इमरान खान के लिए आए हैं, पाकिस्तान के लिए ये कोई मुश्किल नहीं है। ये बुजदिल लोग हैं, ये समझते हैं कि हमें डराएंगे, हमें धमकाएंगे, हम आएंगे। हमें पानी में भी करना पड़े जलसा, समंदर में भी करना पड़े, पहाड़ पे करना पड़े, हम आएंगे। अच्छा, हुकूमत की जानब से बड़ा फख्र महसूस किया जा रहा है कि इस्लामाबाद में भी हमने मवेशी मंडी दी, लाहौर में भी मवेशी मंडी में जगह दी, बड़ा तमस्कर उड़ाया जा रहा है, क्या कहेंगी इस हवाले से? ये तो बहुत अच्छी बात आपने कर दी। जिस इंसान के अंदर जो होता है वो दूसरे को वही देता है। मुझ में इंसानियत होगी, मैं आपको इंसानियत दूंगी, मैं अंदर से जानवर हूँ, मैं आपको हैवान समझूंगी। ये तो बहुत सिंपल है। तो आज का जलसे का जो नतीजा है वो क्या देख रही हैं, क्या होने वाला है इसके बाद? पाकिस्तान में तरक्की, पाकिस्तान में अमन, पाकिस्तान में इंसानों की हुकूमत इंशाल्लाह। प्रिजन वैन मौजूद है, पुलिस की भारी नफरी यहाँ पे मौजूद है, अगर आप टाइम एक्सीड होता है तो गिरफ्तारियाँ शुरू हो जाएंगी, तो उसके हवाले से क्या लाया? पूरी पंजाब की हुकूमत को हम एक वार्निंग दे देते हैं, हम शरीफ लोग हैं, अमन से आए हैं, शराफत से रहें, इज्जत से रहें, हम इज्जत से चले जाएंगे। मत लड़ाई छेड़ें, ये पाकिस्तान है, तीली मत दे। लोग इस वक्त गुर्बत से मर रहे हैं, बिजली गैस पानी से लोग खुदकुशी करें, वो गुस्सा आप पे निकलेगा। और खान ने हमें मना किया हुआ कि जिसने वो याद है ईंट की ईंट बजानी थी, वो तो उसको प्रेसिडेंट बना दिया, और जो कहता है कि मेरे वतन को कुछ ना, उसको जेल में डाल दिया। तो खान कहता है मेरे मुल्क को कुछ नहीं करना, हम कभी भी हाथ नहीं उठाएंगे, ना फजूल बात करेंगे, लेकिन इनसे कहो कि इज्जत से पेश आएंगे तो इज्जत मिलेगी। पंजाब हुकूमत की जानिब से तरीके इंसाफ को फस्तायत वाली जमात, दहशतगर्द जमात साबित करने की भरपूर कोशिश की जा रही है, क्या कहेंगे? ऐसा कुछ है, ये अल्लाह ताला का निज़ाम है, ये खान पे कीचड़ फेंकते हैं, इनके मुंह पे आ जाता है, इस पे फिक्र ना करें ज़्यादा, करने दे जो कर रहे हैं। शफी साहब बताइएगा, इतनी दूर जगह दे दी आपको जलसा करने के लिए और जगह जगह रुकावटें हैं, क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा यहाँ पे पहुँचने के लिए? यार कोई शर्म होती है, हया होती है, ये इनको तो है ही नहीं, क्योंकि ये बेशर्म लोग हैं। ये टिकटाकर जो चीफ मिनिस्टर है, ये समझती थी कि इस तरह के ओछे हथकंडे करके मीनारे पाकिस्तान हमें देना था, वो नहीं दिया, फिर रात 10 बजे हमें ये वाली जगह दी है, और ये जगह पूरे हर तरफ से सैकड़ों कंटेनर लगाकर बंद कर दिए। लेकिन इन चोर लटेरे डाकुओं को ये नहीं पता कि 25 करोड़ आवाम के दिलों की धड़कन जो है वो इमरान खान है, और इमरान खान को जियालों को सिर्फ चाहे आप 2 घंटे का टाइम जहां भी दे दें वहां वो पहुंच जाएंगे, क्योंकि वो समझते हैं कि इस पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए, पाकिस्तान की फलाह बहबूद के लिए, नौजवानों के रोशन मुस्तकबिल के लिए का सिर्फ एक ही जामन है जिसका नाम कैदी नंबर 804 है। और ये जितने नौजवान खड़े हैं इंशाल्लाह ताला अपने कैदी नंबर नहक नाजायज़ मुकदमों में जिसको उसको कैद में रखा हुआ है, जब तक उसको रहा नहीं करेंगे ये नौजवान, उस वक्त तक सड़कों पे रहेंगे, जलसे भी करेंगे, रैलियाँ भी करेंगे, और अपने इमरान की रहाई के लिए। और ये जो आप डाका लगा रहे हैं अदलिया के ऊपर, क्योंकि अदलिया को ये अपना ग़ुलाम बनाना चाहते हैं और अदलिया की आज़ादी को सलब करना चाहते हैं, लेकिन इंशाल्लाह ताला ये पाकिस्तान की नौजवान आवाम जो है उनको ये ना डाका। ये बताइएगा कि पंजाब हुकूमत इस बात पे बड़ा खुश हो रही है कि पहले इस्लामाबाद में भी मवेशी मंडी की जगह दी गई थी, अब लाहौर में भी मवेशी मंडी की जगह जो है वो दी गई है, और इस पर वो बड़ा तमस्कर उड़ा रहे हैं, क्या कहेंगे? इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने जैसे पहले कहा ये बेशर्म लोग हैं, ये हमें जहाँ भी अपने खान के लिए जगह देंगे, अपने खान की आज़ादी के लिए, पाकिस्तान की आज़ादी के लिए, हम हर उस जगह पर पहुँच जाएंगे, हमें किसी जगह से गर्ज नहीं। हमें इस पाकिस्तान की आज़ादी मतलूब है, इन नौजवानों का रोशन मुस्तकबिल मतलूब है। हमें शफी साहब ये बताइएगा कि जलसा का एक बड़ा क्लील टाइम दिया गया है, उसके साथ साथ इंतजामिया की जानब से प्रिजन वैन, वाटर कैनन, हर चीज़ मौजूद है। अगर उन्होंने SOPs का लिहाज नहीं किया तो हम भी SOPs का लिहाज नहीं करेंगे। हमारे वर्कर्स को रोका जा रहा है, जब तक हमारे बाहर से आने वाले सारे वर्कर जलसागार नहीं पहुंचेंगे उस वक्त तक हम जलसा जारी रखेंगे। अच्छा मियां साहब, इसके बाद अगला क्या लाहे अमल है, क्या करेंगे, इसका नतीजा क्या देख रहे हैं? अगला आज आप देख लेंगे, यहाँ जो समुंदर आएगा हमारे पाकिस्तानी लाहौर के नौजवानों का, जशीलों का, ये इनकी हुकूमत में ताबूत का आखिरी किल होगा इंशाल्लाह ताला। ये टिकटाकर हुकूमत और ये जोकर हमारा IG है, और इन्होंने जुल्म
सितम का जो पहाड़ टाए हुए थे वो आज से इंशाल्लाह ढलने शुरू हो जाएंगे और लोग दोबारा फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आएगी और आवाम की हुकूमत आएगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, ये जल्द से उसकी निशानदाही इसके। अच्छा मियां साहब, आखिर में मुझे ये बता दें कि अली अमीन गंडापुर भी आ रहे हैं, अगर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है, कोई पकड़ने की कोशिश की जाती है, क्या करेंगे? किसी के माई के लाल की जरूरत नहीं है कि हमारे सीएम के किधर हाथ भी उंगली, जो उंगली उठेगी हम उंगली तोड़ देंगे उसकी, और वो आएंगे, तकरीर भी करेंगे, जलसे भी शिरकत भी। बहुत शुक्रिया।